थैंक्स। और क्या नया बना रही हो? तुम ही देखो। अच्छा है, क्या है ये? क्या अच्छा? दो दिल बनाकर जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। एक काम करो, अपने भैया और मेरे बारे में सोचो, सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। मैं यहाँ, वो दुबई में। सो जाओ, 10 बज गए हैं। भाभी। हाँ। 4-5 घरों की ही बिजली गई है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस फोन करो ना। हाँ, बिल टाइम पर भरने वालों की ही बिजली कटती है। दिल को बम्बार आजा आप दे दे। व्हाट्स अप? ए जानी क्या कर रहा है यार? अरे कॉन्फ्लेक्स का पैकेट क्यों भर रहा है? अरे पागल हो गया क्या? जानी क्या कर रहे तू? अरे रुक यार, अरे अरे मेरी बात तो सुन। कर क्या रहा है? अरे मुझे बता तो सही क्या कर रहा है? हे व्हाट्स हैपनिंग मैन, पागल हो गया तू? के इस घर में आके एक लड़की चुप के चुप के ताके एक लड़की। अरे 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 ओ, अरे 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 जान के सब कुछ एक लड़की बोले ना क्यों कुछ एक लड़की कभी कभी तो मानेगी। वो चुप रहती है पर हमें खबरें मिलती। ए जानी अब भी हंस रहा है? 2 साल से देख रहा हूँ, तू उसके पीछे दीवाना रहता है। अरे वो तुझे देखती भी नहीं है यार, इतना कुछ किया तूने उसके लिए। साला उसने एक थैंक यू तक नहीं बोला यार। क्या किया? पर्दे बंद। अरे यार मेरे प्यार की खातिर उसने पर्दे बंद किए। क्या? हाँ यार, अगर पर्दे बंद नहीं करती तो मैं रात भर इधर ही इंतजार करता। उसे पता है अंधेरी रात है, ठंड है, वो नहीं चाहती कि मुझे कुछ हो जाए, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसने खिड़की बंद कर दी। Don't worry. Excuse me, sir. Yeah. Project 511 से आपके लिए को इन्वेस्टर्स के साथ एक मीटिंग अरेंज कीजिए। And make sure you have the top class presentation and सर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में। एक्सक्यूज मी सर। उस लड़की को अंदर भेजो। लेट्स मीट लेटर। गेट आउट। लावा 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 सीने में लावा। सर मैं बिंदु, प्रोजेक्ट 511 नाम के एक चैरिटी तूफान में मत चलता मेरा ये जलवा। बेचैनी सी ये दिल की धड़कन को दे आजादी तू नशा। तो आपके कुछ डोनेशन से लावा, 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 सीने में लावा। ओह माय गॉड, 15 लाख! थैंक यू सर। अब डोनेशन दिया है तो
क्या मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ? आपकी सोच मुझे अच्छी लगी, आपके साथ और नजदीकी से काम करना चाहता हूँ। विश्वास नहीं हो रहा सर, हमें बहुत खुशी होगी। थैंक्स फॉर दैट सर। ये आपके लिए स्मॉल टोकन ऑफ आवर ग्रेटिट्यूड। व्हाट दिस? माइक्रोट, मैंने बनाया है। ओह नाइस। इंदु, तुम डर क्यों गई? ओ सीधे ऊपर आ गए इसलिए, नीचे दरवाजा खुला था, कोई दिखा नहीं तो सॉरी आई स्केड यू। कोई बात नहीं सर। तुमसे एक जरूरी बात करनी है, मेरे साथ आ सकती हो? मुझे कुछ काम है। मैं प्लीज मैं एक बात कहूं तो मुझे पागल नहीं समझोगी ना? एक मक्खी मुझे मारने की कोशिश कर रही है। यू डोंट बिलीव मी? एंड व्हाट्स मोर शॉकिंग इज दैट मुझे मारने के लिए कोई उस मक्खी की मदद कर रहा है। बिंदु, यू बिलीव दैट? आप कहते हो तो सॉरी जिससे भी मैंने ये बात कही उसने मुझे पागल समझा। कमल, सीसी कैमरा पर मिला मुझे, जूम करने पर देखो इसकी मुंह पर मास्क, गॉगल्स देखा तुमने? मिरेकल। लेकिन एक मक्खी ये सब नहीं बना सकती, कोई और बना रहा है। ए, रो मत सिली गर्ल, मुझे कुछ नहीं होगा। इतनी छोटी चीजें सिर्फ एक माइक्रो आर्टिस्ट ही बना सकता है। तो मुझे मारने वाला वो माइक्रो आर्टिस्ट कौन हो सकता है बिंदु? आई मीन तुम ही एक माइक्रो आर्टिस्ट हो ना? तुम जानती हो मुझे कौन मारना चाहता है? बोलो। सारी लड़कियां मेरी उंगलियों पर नाचती है और एक मक्खी के पीछे मुझे कुत्ते की तरह भगाया तूने। ए जानी, साला कहाँ छुपा? मुझे पता है तू यही कही है। हर बार की तरह ई ई ई करके छुपके छुपके मत आना, सीधे मेरे सामने आ जा वरना इसको यही जान से मार दूंगा। आ जानी आ। पिछले जन्म में इसे कैसे मारा तुझे पता नहीं ना? ए शूनिकाल, तुम्हारी आखिरी सांसें जाती हुई मुझे महसूस करनी है। घर में टीवी नहीं क्या? आज प्लेटफॉर्म टिकट के बिना कोई भी दिखाई पड़ा तो मिनिमम 1,000 रुपए खींच लूंगा। इस महीने मुझे कैसे भी अपनी बीवी को सिल्क की साड़ी गिफ्ट करनी है। टिकट प्लीज, टिकट। अगर याद दिल तल्ला गा या टिकट
थैंक यू सर. ठीक है गुड. टिकट काउंटर से ला जा. टिकट प्लीज. हमने दे दिया है. किसको दिया? हम आपको दिए थे. पुलिस नहीं साहब ऐसा मत कीजिए. देखिए दो मिनट में हमारा भाई आ रहा है, वो आप ही तब्दील कर देगा. भैया जल्दी कर रही है. अरे तुम अकेले आते तो काफी था, मेरे लिए इतनी सिक्योरिटी क्यों साथ लाया? ये सब तुम्हारे लिए नहीं आया है. ये सब मेरे फ्रेंड्स है, इनको हम टीसी समझ कर अपना टिकट दे दिया हूँ. टीसी को क्या दोगे? तो हजार दूंगा मैं. अरे जिंदगी गुजारने के लिए तुमको 2,00,000 रुपया दिए थे, और स्टेशन से बाहर निकलने के लिए 1,000 रुपए नहीं दोगे क्या? उधार मांग रहे हो या हेल्प मांग रहे हो? उधार चुकाऊंगा तो मेरा नाम होगा, हेल्प करोगे तो तुम्हारा नाम होगा. अब तक मुझे जो नाम मिला है काफी है. तुम जितनी जल्दी हो सके बहुत अच्छा नाम कमाओ तो खुशी. जरूर कमाऊंगा भैया, लेकिन हमको थोड़ा टाइम लगेगा. 1,000 रुपए. आटा भैया तुम्हारा सडन लेना कैसे हुआ? एक डॉक्टर से मिलना है. अरे रुको भैया, आ जा भैया, बैठ जा, चलो भैया. अरे रुको रुको रुको, अरे रुको, पैसा दे दीजिए भैया. भैया वैसे प्रॉब्लम क्या है? बहुत दर्द होता है. अच्छा. यहाँ शुरू होकर हाँ? बगल में जाता है हाँ? ऐसे पीछे की तरफ हाँ? फिर यहाँ आगे आते ही हाँ? ऐसे घुस जाता है. बहुत अच्छा है. मेरा दर्द हाँ? तुम्हारा बताने का ढंग बहुत अच्छा है. लीजिए. ऑलरेडी अपॉइंटमेंट भी ले लिया है. क्योंकि दर्द बहुत ज्यादा है भाई. सत्यनारायण माथुर, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? बिल्कुल है. डॉक्टर साहब ने बुलाया है आपको. बात कर रहा ना? तुम्हें नहीं मुझे. यहाँ बहुत लोग हैं, इस बार कैसे भी मिलके ही जाएंगे. स्कूल में एक ग्लास पानी मिलेगा का? तुम्हारे पैर हैं, वहाँ जाकर पी सकते हो ना? पैर में बहुत दर्द है, बैठू तो उठ नहीं सकता, उठू तो बैठ नहीं सकता. ओके थैंक यू. आ रहा हूँ भैया. अरे मन नहीं था तो मना कर देना था, चप्पल दिखाने का जरूरत था. अरे पागल हो गया क्या? दिखता नहीं है क्या? अरे कम से कम सॉरी तो बोल, पागल कहीं का. उन लोग कहीं भैया का प्रश्न तो नहीं कर रहे हैं? कौन है वो? मुझे पता नहीं कहाँ रहता है वो. फोन पर वो कुछ ग्रैंड फ्रूट जैसा बोल रहा था. अरे माई रे माई, तो यहाँ हो तुम? हाथ क्यों कांप रहे? डॉक्टर को दिखाओ. पानी पीने से ठीक हो जाएगा. पी लो. चलो क्या है? रख लो. कुछ दवाई वाई लिख के दिया का? हाँ इंजेक्शन दिया है. तुमने उसको दिया कि उसने तुमको दिया? तुमने देखा? भूल गया. तो ठीक है चलो. चलो भैया, 2,000 का चेंज है का? नहीं है. वेट करो भैया, बहुत बड़ा अपार्टमेंट है, शांता है, कांता है, और उसके पीछे जनता है. मुझे क्या लेना देना इससे? अरे रुको, देंगे भैया देंगे, कहाँ चिल्लाते हो? डीजे ने साहब पैसे. अरे रुको. अरे राजू इधर आ. देखो ये अपना ही बच्चा, तुम इसके साथ खेलो, पैसा लेके आता हूँ. भैया जय बजरंग बली. मत देखो, शायद तुमको बुला रही है. भैया क्या वो लड़कियाँ जो बैठी है दाई तरफ, उनकी तरफ दिखा रहे हो? लड़कियाँ तो यहाँ है. उनकी तरफ दिखाओगे तो काट कर रख देंगी. वो लड़कियाँ नहीं है भैया. आटम बम आटम बम, उनसे दूर रहना ही बात है. तुम्हें नहीं उनसे दूर रहोगे तो बहुत अच्छा है. मर्द के पास जो बहुमूल्य मर्दांगी होती है वो चुरा लेती है बहुत तेज लड़की. बाप रे, तभी तो घर जाते वक्त तू पेंटिंग को देखते हुए जाता हूँ. पेंटिंग का है यार? मतलब आप एमए घुसते उधर थोड़े आएगा, पेंटिंग उधर सोच के देखता हूँ, चल जाता हूँ. तुम भी ऐसा ही करना. अरे अरे सुनो इधर. मैं हाँ भाई. देखो क्या है, तुम वो राम अवतार की बेटी हो ना? नहीं, मोहन वर्मा की बेटी. मोहन अंकल की बेटी हो? अरे बचपन में हम दोनों कितने प्यार से खेला करते थे, तुम्हें याद है? कुछ याद नहीं. अरे तुम तो बहुत खेल गई हो.
जाओ जाओ खेलो फ्रेंड के साथ। चलो अंकल को नमस्ते कहना। हाँ, कह दूंगी। उसका पिताजी तुमको जानता है? नहीं जानते। शाम पान खाएंगे क्या? दो बनाओ। अच्छा साहब, नहीं मालूम बोल रहा हूँ। फिर भी उसके इतने नजदीक जाके बात कर रहा था। फेस बढ़िया है पुकारा उसे, फेस बढ़िया है मारा उसे। ये लो साहब, इतनी छोटी बात पर डिस्कशन क्यों चला? सब डेंजर लगता है साहब। पैसे इसको किसी खाते में लिख लो। पता नहीं किसका। हमको सब लोग जानते हैं। लिख भी नहीं रहे। अरे पांच माला कहा, पान बहुत बढ़िया है। अरे भैजू भैजू, नीचे ऑटो वाले को पैसे नहीं दिए क्या? वो मेरे बेटे को ले जाऊंगा बोल रहा है। अरे अगर बीवी को ले जाऊंगा बोलता तो परेशान नहीं होता मैं। तू जल्दी आ। सालिया तुम यहाँ रुको, मैं आता हूँ। इस अपार्टमेंट में सेक्रेटरी बन के रहना तो बहुत छोटी बात हो गई है। हाँ, कोई स्विच डालो तो बल्ब नहीं जलेगा, टैप खोलो तो पानी नहीं आता बोलेंगे, कैसे पानी आएगा? हम डालेंगे तो आएगा। अरे पैसे भेजो तो पानी खरीदेंगे तो पानी आएगा ना। अरे जल्दी से किसी के हाथ से पैसे भेज दो। टेलर का लड़का नहीं आया माँ? हाँ निकला ही होगा। लो आ गया, आओ। सुनो अंदर आओ, रोज बुलाना पड़ेगा क्या? हाँ आओ। पैसे दो। ऐसे क्या पूछता है भाई, ये क्या पहली बार है? 2002 दो। ऐसे थोड़ी दे रहा भाई। ठीक है ठीक है, सुनिए रो परी आना। कितनी देर में रहूंगी, शुरू करो। कम ऑन। क्या हुआ? मेरी माँ है, माँ है माँ। अरे कहाँ चला? कोई बात नहीं, जल्दी करो, और भी बहुत काम पड़े हैं। कम ऑन। कौन हो तुम? मेरे घर में घुस के मेरे बेटे को बाहों में ले गए? आखिर तुम घर में कैसे घुसे? अरे बिना बताए जा रहे हो? कौन है वो? मुझे क्या मालूम? कौन हो तुम? बोलते क्यों नहीं? वो क्या है कि इन्होंने दरवाजा खोल के मुझे अंदर बुलाया। इसने बेल बजाया था। चुप करो जी, अंदर आते इन्होंने छोटा बच्चा समझ के मुझसे 2000 रुपए अड़ा दिए। हाँ यही था वो हट्टा कट्टा मोटा सा। कौन है? यही है, यही है चटनी। डैडी? वाह क्या फैमिली है। आखिर हुआ क्या है? मैंने लिए क्यों? गलत है, मेंटेनेंस भेजा समझ के लिए मैंने। आखिर हुआ क्या है? अभी कुछ नहीं हुआ, मेरे पैसे वापस करो। दे दूंगा, आखिर बात क्या है? आप जिसे चाहे उनसे पैसे ले लेंगे? अरे दे दूंगा भाग्यवान, आखिर बात क्या है? कहा हुआ भैया? अब तक मैंने 30 बार पूछा है, मुझे नहीं बताया, तुम्हारे पूछने पर बता देंगे। लेकिन हुआ क्या भैया? कुछ नहीं रहे, इस लड़की ने दरवाजा खोला और मुझे अंदर ले गई। बेडरूम में जाने के बाद मुझे एक बार हाथ उठाओ जरा। हाँ, तब मैंने इसे जोर से पकड़ लिया। ऐसे पकड़ा। उधर हॉल में तुम्हारी माँ है, मैंने ये भी बोला था। मेरी माँ ही है ना, परवाह नहीं, मुझे लगा ऐसे बहुत होता है। ये क्या पकड़ रहे हो तुम? आपका फैमिली बिजनेस होगा मैंने सोचा था। हमारा फैमिली बिजनेस ये नहीं, राइस का बिजनेस है। समझ में नहीं आ रहा, तो खुल के बोलो। तेरी तो, इसको दोबारा करके दिखाते हैं। देखो इन्होंने ऐसे हाथ उठाया था और मैंने। ये हमारा वाइफ है, अब बताओ। अरे हमेशा क्या, सबको बताऊंगा? बिल्कुल नहीं। अब बहुत हुआ जी, पुलिस को बुलाइए, अरेस्ट कराइए। पुलिस को? अरे कहाँ करते हैं, हमारा दोस्त है, हमारा बहुत खास है, बहुत अमीर है, गांव में 100 एकड़ जमीन है। 80 एकड़ आम, करीब 20 एकड़ अमरूद के पेड़ है मेरे। शाम को हमारे घर भोजन करने जरूर आना बेटा। सुनिए जी, आप भी बोलिए ना। इंस्पेक्टर साहब, शाम को हमारे घर पर खाने पर जरूर आना। बता दिया भाग्यवान। आंटी क्या है? मम्मी सुनिए जी, उसके पास 100 एकड़ जमीन है। बेटा इतनी जमीन जायदाद है तुम्हारे पास, बिना जाने बगैर ही हुई बोलो। वही बात, संभालो। चलता भाजी। बेटा चाय बनाओ क्या? क्यों बेकार में तकलीफ कर रही है? इतना भला मानस है। बस कर यार। काफी बहुत बढ़िया है ना भैया, तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो। क्या सचमुच लड़की तुमको बुलाई है? चुप। मुझ जैसे भोले वाले इंसान पर शक करता है रे? नहीं, हमारा मतलब है कि एक साल से हमको आग उठा के भी नहीं देखे, तुमको गले लगा लिया। अब देखो भैया, इन लड़कियों को इतनी आसानी से नहीं समझ सकते। हम कितना कोशिश किया, हमको ठुकराया, तुमको गले लगाया। अरे नहीं नहीं नहीं, उसको वहीं रहने दो, वहीं ठीक है। तोड़ दूंगा इसकी नौबत, नहीं आने दूंगा। भैया
एक डाउट है हमारा। बोलो। छोकरियों के बारे में नहीं, ऐसे तुम्हारा कभी पैर पिछला का? ये कैसा छोड़ रहे? गणेश चतुर्थी आ रही है ना। बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। बहुत धूमधाम से। वैसे तुम बात को बदल रहे हो, पैर पिछला की नहीं बताओ ना। नहीं रे, किसी को नहीं बताऊंगा, प्रॉमिस। अरे सुन तो, कभी कभी टॉनिक जरूर पिया बस, लेकिन ऐसा कुछ पैर फिसलने जैसा नहीं किया। आज तक तेरे घर में काम काय को किया तेरे को मालूम है क्या? उस अलमारी की चाबी के लिए तुम्हारा के रखा बोल, वरना जान से मार दूंगा। भैया साहब, मेरी शादी हुए 24 घंटे हो गए, ये तो मानती नहीं, अब क्या करूं? तलाकी पेपर बनवा दो क्या? फोन रखो, काम हो गया। अरे कहाँ हो गया? अरे तुम इनको लेके जाओ, थोड़ा सा भैया को देखता हूँ। भैया, अरे भैया, भैया कहाँ हो गया? पैर फिसल गया था। नींद चुरा ले जाए, मुझे रातों को जगाए, हर पल मुझको सताए, तेरा प्यार पिया। ना जीने दे कभी, चैन से ना मरने दे, तेरा प्यार ना कुछ करने दे, मेरे साथ यार।